गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना बेटा। और हिंदी के अंदर हमारा चैप्टर कौन सा हो गया था, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। कौन सा? साउंड, ध्वनि। ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा था, यानी ध्वनि क्या होती है, जो हमारे मुख से जो भाषा निकलती है, जो वर्ण निकलते हैं, वो क्या है आपकी ध्वनि होती है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला, यानी जब शब्दों का निर्माण, शब्द लिखा है और शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा सबने ये व्याकरण की बुक निकाल दी है, सबने निकाल दी बेटा व्याकरण की बुक। यहाँ भी लिखो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण की बुक सबने निकाल दी बेटा, वेरी गुड। आपके पास सबके पास ऐसी बुक है ना बेटा, ऐसी वाली बुक। आपके पास ऐसी दो बुक है हिंदी की, है ना, जिसमें एक में अपने दो या तीन पार्ट कंप्लीट हो चुके। आपको हिंदी की ऐसी वाली बुक निकालनी है। और अगर चैप्टर निकालना है टू, वर्ण और वर्णमाला, सबने निकाल लिया बेटा। जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है बेटा, वो अपने विद्यालय में आकर अपनी पाठ्य पुस्तक खरीदे। बेटा इसकी कॉपी आपने एक अलग बना रखी है ना बेटा, देखिए एक बार मुझे यस करो ताकि मुझे तुम्हारा फीडबैक मिल सके। सबने बना दी इसकी, मैंने कहा 200 या 250 पेज की आपको इसकी एक कॉपी बनानी है, और उस कॉपी को अपनी सेफ्टी में रखना है ताकि आपके छोटे भाई बहन इसे न फाड़ देवे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो देखो वर्ण क्या होते हैं, हमें आपको मैं क्या पढ़ूंगी, वर्ण क्या होते। पहला देखो, मेरे साथ किताब पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको किताब का वाचन करना। बोलो, जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग तरह की आवाज या ध्वनि निकलती है। क्या कह रहा है वाक्य में, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से अलग अलग तरह की आवाज व ध्वनियाँ निकलती हैं। इन आवाज़ों या ध्वनियों का अपना एक अलग अर्थ होता है। सुनने वाला व्यक्ति इस अर्थ को आसानी से समझ सकता है। तो देखो हम पहले पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है। देखो वर्ण, मुँह से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखो पहले वर्ण की परिभाषा लिखो, आप मैं वर्ण समझाती हूँ वर्ण क्या होता है। मुँह से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो अभी देखो एक बार ध्यानपूर्वक समझना, पहले इसकी परिभाषा को याद करोगे आप। बोलो मुख, पहले हम क्या पढ़ेंगे वर्ण, वर्ण क्या होता है समझाए, पहले इसकी परिभाषा याद करो आप। बोलो मुख, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। यानी हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, उस ध्वनि का भी छोटा रूप होता है, ध्वनि से भी तो छोटा रूप होता है, हम उसे क्या कहते बेटा, वर्ण कहते। दोबारा याद करो, मुँह से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो समझ में आ गया, हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियों का भी जो छोटा रूप होता है हम उन्हें क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे शब्द लिखा मैंने कमल, शब्द क्या लिखा मैंने
कमल। अब देखो इसमें कितनी ध्वनियाँ निकलती है, शब्द मैंने कमल लिखा, अब इसमें कितने वर्ण निकलते देखो। क म अब देखो इसमें कितने सारे वर्ण निकल रहे, क म ल, तीन अक्षर का शब्द है लेकिन छह अक्षर बन गए अपने, क्या निकल गए इसमें, छह वर्ण निकल गए। क्या निकल गए बेटा, छह वर्ण निकल गए। कितने वर्ण निकल गए, छह वर्ण निकल गए। जैसे लिखो आप पपीता, पपीता शब्द देखो आपका प आ प ई त आ, शब्द क्या बना आपका आ। अभी तो देखो आप ध्यान पूर्वक समझना इसको, इसके हलंत लगा देना क्योंकि शब्द जब अधूरा होता है उसके हलंत लगता है। अभी देखो शब्द है आपका पपीता, या आप जानते हैं पपीता। अब देखो पपीता के कितने वर्ण निकले, प आ प ई त आ, पपीते में कितने, क्योंकि हर वर्ण के आगे आ की ध्वनि निकलती है, हर वर्ण के आगे आ की ध्वनि निकलती है। तो पपीता में कितने सारे वर्ण निकल गए, निकल गए ना वर्ण। वैसे ही देखो किसान लिखो शब्द की शान, अब देखो शब्द क्या आपका ई प्लस क प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस आ। अब देखो किसान के अंदर कितने सारे शब्द निकल गए, निकल गए ना बेटा। तो ये सारे क्या है आपके, ये तो शब्द है, ये क्या है आपकी ध्वनियों का भी छोटा रूप, क्या है वर्ण है, क्या है बेटा आपका वर्ण है, ये सारे क्या है वर्ण है। परिभाषा क्या थी, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। हमारे मुख से कोई शब्द निकलता है उसकी जो छोटी सी छोटी इकाई होती है, जो वर्ण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो बेटा आपको सबको समझ में आ गया, आ गया बेटा सबको समझ में। अब देखो वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नोट डाल के लिखो, एक नोट नंबर वन, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने शब्द लिख लिया क, या मैंने हलंत लगा दिया, क्या इसके टुकड़े कर सकते हो क्या आप, और कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जैसे आ ई ऊ, ये सारे क्या हैं वर्ण है, यानी हम वर्ण के, यानी इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। भाई ध्वनि से वर्ण निकलता है, भाई ध्वनि के हमने टुकड़े कर लिए, भाई ध्वनि थी, ध्वनि के हमने क्या कर लिया, हमने साउंड के टुकड़े कर लिए। अब क्या वर्ण के भी टुकड़े होंगे क्या, नहीं वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें हलंत लग रहा है, इनमें क्या लग रहा है, हलंत लग रहा है, यानी हम इसके और टुकड़े अब नहीं कर सकते। अब पढ़ेंगे अपन, आपको ये वर्ण समझ में आ गया, वर्ण क्या होता है, ताकि हम अगले आगे वर्णमाला पर चले बेटा। मुझे एक बार यस देखिए, फीडबैक दो मुझे देखिए, एक बार यस करो, देखिए सबको समझ में आ गया, आपको वर्ण समझ में आ गया तो हम वर्णमाला पर चले। आ गया वर्ण कुछ नहीं है, हमारे मुख से, हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के छोटे से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। दोबारा बोलो, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों के छोटी सी छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ध्वनि थी, ध्वनि के हमने टुकड़े कर लिए, लेकिन अब और उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द का ही अनर्थ हो जाएगा। हम पढ़ेंगे हम, अब आपको वर्ण समझ में आ गया बेटा, वर्ण क्या होते सबको।
आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला आपका क्या चलेगा? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखो शब्द क्या आया? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी शब्द अगर क्रम के अंदर है तो वो आपकी क्या हो गई? वर्णमाला हो गई। जैसे कमल नयन किसान, इस तरह से वर्ण क्या है? व्यवस्थित रूप में सही ढंग से है, वो तो आपकी वर्णमाला हो गई। लेकिन आपने उल्टा लिख लिया, शब्द लिखा नया तो आपने लिख लिया यान, तो आपकी ये वर्णमाला नहीं है। ये वर्णमाला का सही सार्थक सार्थक रूप है। तो वर्णमाला क्या होती है? जब वर्णों का क्रम व्यवस्थित हो, वर्णों का कर्म व्यवस्थित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? वर्णमाला कहेंगे। अब एक बार छोटा सा मेरे साथ किताब का वाचन करेंगे। एक बार देखिए, अभी निकालो, देखें आपको एक बड़ा सा सूरजमुखी का फूल दिख रहा है, इसकी मालाएं दिख रही ना। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी वर्णमाला क्या होती है। बोलो, फूलों की एक माला के सभी फूलों को एक के बाद एक क्रम में पिरोया जाता है। देखो, हमने एक माला ले ली है, हमने क्या ले ली है? एक ही धागा ले लिया है। धागा में से हमने फिर इधर से फूल डालना शुरू करा है। ऐसे फूल डाला है, फूल अपना यह आ गया। इस तरह से हमने क्या डाले? फूल डाले माला में। क्या डाले बेटा? फूल डाले। तो हमने क्या करा है? क्या इस फूल को यही अटका दिया कि हमने आगे नहीं जाने दिया? उसको जाने दिया, तभी तो कर्म से फूलों की माला बन सकी। उसी प्रकार वर्णमाला में भी क्या होता है? एक फूलों का मेल होता है, उनको कर्म से जमाना पड़ता है, तभी माला बनती है। पढ़ो आगे। हिंदी भाषा के सभी वर्णों या ध्वनियों को एक क्रम में लिखने पर, यानी वर्णों जो भी वर्ण है, जो भी आपके साउंड है, उनको जब हम क्रम में लिखते हैं तभी वर्णमाला बनती है। अगर शब्दों को उल्टे फुलटे लिख लिए हमने तो वर्णमाला नहीं बनती है, ना ही शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है। तो समझ में आया बेटा आपको? सबको समझ में आया? ठीक है, हम पढ़ेंगे वर्णमाला के वर्ण। वर्णमाला के कितने वर्ण होते हैं, यानी वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला के वर्ण यानी वर्ण के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम? वर्ण के प्रकार, यानी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार, स्वर व्यंजन अयोगवाह। यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने होते हैं? तीन। तो आप यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो, नोट नंबर सेकंड। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। नोट नंबर थर्ड डालो। स्वर व्यंजन अयोगवाह। ठीक है बेटा, इस वर्ण के तीन प्रकार, जो वर्ण है ध्वनि का छोटा से छोटा रूप वर्ण है, उस वर्ण को तीन प्रकार में बांटा है, स्वर व्यंजन और अयोगवाह के रूप में। इसको अलग अलग तरीके से इन्होंने विभाजित कराए। तो देखो, हम पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्वर के बारे में। देखो, जिस वर्ण के बोलने में
किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो देखो लिखो आगे, ये हो गया बड़ा कंप्लीट आपका, एक बार याद कर लो। देखिए वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। फिर ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी हमने इस वर्ण के बारे में पढ़ा है, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कराए, तो कैसे कराए? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में व्यवस्थित रूप से समझाऊंगी, यानी स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन क्या है, परिभाषाएं क्या, इसके सबके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो आपने सबको उतार लिया है बेटा? वेरी गुड। हाँ, हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर के बारे में। जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में। परिभाषा लिखो, स्वर क्या होता है, लिखो। जिस वर्ण को, यानी हम किसी भी वर्ण को जब बोलते हैं, जिस वर्ण के बोलने से, जिस वर्ण के बोलने से अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहा जाता है। अब मेरी बात सुनो, स्वर क्या होते हैं? जिस वर्ण के बोलने से अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब मान लो ये शब्द ही आपका अ, आपने आप में स्वतंत्र है अ, इसकी किसी की सहायता ले रहा है क्या? ले रहा है किसी सहायता? नहीं ले रहा है। मैंने शब्द लिखा ई, बोलो इसको ई, ये किसकी सहायता ले रहा है? व्यंजन की सहायता ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता लेते। मान लो मैंने क लिखा है ना, अभी शब्द को किताब बनाने के लिए, किताब इसको लिखने के लिए मुझे इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, मुझे इसकी क्या लेनी पड़ेगी? सहायता लेनी पड़ेगी। जब मैं इसकी सहायता इसमें लूंगी तभी मेरा शब्द बन पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यानी स्वर जो होते हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते। लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं। तो एक बार आप इसका एक नोट लिखोगे, नोट नंबर 4। स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो बेटा समझ में आ गया आपको, स्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन एक दूसरे, व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं, व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। जैसे आप भी छोटे हो अपने माता पिता पर आश्रित हो ना, वही कंडीशन व्यंजन की होती है बेटा। तो आपको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आपको मैं अगली क्लास में आपको अगला व्यंजन और अयोगवाह समझाऊंगी। तो आपको HW में क्या करना है आज, जल्दी बताओ, व्यंजन लिख के लाने हैं। आप HW में स्वर और व्यंजन लिखोगे।
आप ये बोल रहे होंगे हमें तो आता है स्वर और व्यंजन, हमें मैम क्यों लिखवा रही है, मैं आपका लिखवाने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि इसके माध्यम से मैं बताऊँ कि भाई इसमें स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो आप क्या करके लाना, व्यंजन लिख के लाना, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी भाई इस इनको 33 व्यंजन को किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो लिखो आप स्वर व व्यंजन लिखो। तो बेटा आपको समझ में आ गया है, आपको HW में क्या करना है, स्वर और व्यंजन लिखने हैं, ताकि मैं आपको इनके वर्गों के बारे में समझा सकूं। ठीक है बेटा, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, धन्यवाद।